दिस वीडियो इज पावर्ड बाय नोस्ट्रा प्रो ऐप, जहां आप किसी भी चल रहे गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, F1 रेसिंग, कबड्डी, बैडमिंटन एक्सेट्रा में प्रेडिक्शन कर सकते हैं और इनाम के रूप में आप कुछ पैसे भी जीत सकते हैं। जीतने के बाद आप पैसे को पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। दोस्तों, अगर कोई ट्रेन बहुत तेज स्पीड में चल रही है और उसी स्पीड में चलते वक्त हम उस ट्रेन के कोचेस को उससे अलग कर दें तो फिर उस ट्रेन का क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर किसी ट्रेन में बहुत कम कोचेस हैं तो लोकोमोटिव को बहुत ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और उस लोकोमोटिव का एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए हम एक ट्रेन सिम्युलेटर गेम से एकदम लाइव देखते हैं कि अगर किसी ट्रेन के कोचेस को चलते वक्त ही अलग कर दिया जाए उससे तो उस लोकोमोटिव में क्या होगा, मतलब कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी और वो लोकोमोटिव अकेला कितने देर तक चल सकता है। दोस्तों, ये है वो हमारी ट्रेन। अगर बात करें इस लोकोमोटिव की तो ये देखने में तो वेब 5 वेब 7 की तरह लग रही है, हालांकि कलर अलग है। यहाँ पे 3 कोचेस जुड़े हुए हैं इस ट्रेन में। अब देखते हैं इनका होता क्या है, इनको अगर अलग किया जाए इस ट्रेन से तो, इस लोकोमोटिव से तो। सॉरी, चलिए पहले बैठते हैं इस लोकोमोटिव के अंदर और बैठने के बाद मैं तो इसको पूरा फुल थ्रॉटल में चलाने वाला हूँ, एकदम सीधा 10वां गियर। हालांकि गियरिंग यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाओ। चलिए, तो ट्रेन यहाँ पे चलने लगी है और क्या एक्सेलरेशन है इसका यार, मतलब बहुत जल्दी ये स्पीड पकड़ रही है और स्वाभाविक भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 कोचेस जुड़े हुए हैं एक साथ, तो जाहिर सी बात है स्पीड तो जल्दी बढ़ेगी ही। अब यहाँ पे यार देखा जाए इस लोकोमोटिव की जो शेप है ना, वो काफ़ी कमाल की लग रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव है यार। क्या एरोडायनामिक लुक है इसका। वैसे अगर बात करें तो हमारी जो लोकोमोटिव्स हैं स्पेशली वेब 5 और वेब 7 को इस तरह से बना सकते हैं, उनका डिज़ाइन ऐसा बन सकता है। हालांकि वेब 5 पे काम चल रहा है ऐसा। खैर, चलिए अब इन कोचेस को अलग करते हैं इस लोकोमोटिव से और देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम अलग करेंगे इनकी कपलिंग्स को और यहाँ पे सबसे आखिरी वाले कोच को पहले अलग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे आखिरी वाले कोच को अलग कर दिया, फिर दूसरे वाले को भी यहाँ पे अलग कर दिया। अब बात करते हैं इस लास्ट वाले कोच की, ये भी अलग होगी। तो अब जो हमारी ट्रेन नहीं सिर्फ लोकोमोटिव चल रही है और कमाल की स्पीड में चल रही है। बात करें स्पीड की तो अभी ये 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और देखने वाली बात ये होगी कि इतनी स्पीड में ये कितने देर तक चल पाती है। हालांकि पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यार ये इतनी स्पीड में कर्व को क्रॉस कैसे कर सकती है, लेकिन देखते हैं होता क्या है इसके साथ। आगे एक छोटा सा कर्व नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक कर्व आने वाला है। अब देखते हैं वहाँ पर ये सर्वाइव कर पाती है नहीं कर पाती है। धीरे धीरे उस कर्व के पास से गुजरने वाली और यहाँ पे ट्रेन बच गई यार। आगे भी छोटा सा कर्व है लेकिन ये तो कुछ नहीं उसके मामले में, लेकिन बच गई यार। अच्छा, आगे स्टेशन है, अगर यहाँ पे ट्रैक चेंज करना हुआ ना तो ट्रेन पक्का डेल होगी। अब देखते हैं ट्रैक चेंज होता है या नहीं। नहीं हुआ, बच गया, लेकिन आगे और भी कर्व हैं भाई। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इसका। यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ संभल नहीं पाई, यहाँ पे अपने आप को ट्रेन नहीं लोकोमोटिव संभाल नहीं पाई और डिलेड हो गई। खैर, ये तो होना ही था। बाकी अगर आपको जानना है कि जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, कोई भी ट्रेन्स होती हैं, वो इतने तीखे कर्व पे क्यों धीरे हो जाती हैं, तो इसके बारे में आपको एक ज़रूर से एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ना सही पर लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।